हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन जो है हम स्टार्ट करते हैं, जिस लेसन का नाम है HCF एंड LCM। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि आपको फैक्टर आना, मतलब किसी नंबर के फैक्टर्स निकाल कर आना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम डिवाइड के जरिए जो है निकालते हैं। तो अगर आपको फैक्टर निकाल कर आते हैं तो आप इजीली किसी भी नंबर का HCF और LCM जो है वो मालूम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि HCF का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। HCF का लॉन्ग फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का लॉन्ग फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए HCF और LCM के लॉन्ग फॉर्म हमने देखे। अब हम ये देखते हैं कि दो नंबरों का HCF अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है तो वो HCF जो है वो कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि दो नंबर्स का जो है LCM कैसे निकाला जाता है। देखिए सपोज हमको दो नंबर्स दिए हुए हैं, दैट इज 38 एंड 68। सपोज हमको ये दो नंबर्स दिए हुए हैं और हमको इन दोनों का जो है HCF निकालना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो 38 के फैक्टर्स करेंगे। देखिए 38 के फैक्टर करना मतलब ऐसे नंबर्स मालूम करना जिन नंबर्स से 38 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ऐसे हमको नंबर्स मालूम करना है, इसके फैक्टर्स करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो 1 से जो है वो 38 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 से हर नंबर डिवाइड होता है, इसलिए जो है हम 1 से डिवाइड नहीं बल्कि 2 से डिवाइड करने की शुरुआत करते हैं। 2 से जब हम 38 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 19। देखिए किस तरह से, इसके लिए आपको अलग से जो है वो डिवाइड करना जरूरी है, एक रफ पेज पर या अलग से जो है वो डिवाइड करके हम देखते हैं कि जब हम 2 से 38 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 19 बच जाता है। अब 19 के बारे में जब हम चेक करेंगे तो 19 जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 1 से होता है और अपने आप से होता है, अपने आप से मतलब 19 से। तो 19 को जो है जब 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 को 19 से डिवाइड करने पर हमको 1 मिल जाएगा। इस तरह से हमको यहां पर 1 मिलेगा, और जब यहां पर 1 आ जाता है तो फिर उस स्टेज पर जो है वो फैक्टर्स करने का जो अमल है वो रुक जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहां पर हमारे पास दो फैक्टर मिले हैं, यानी 38 के जो फैक्टर मिले हैं 2 into 19। इस तरह से हमने 38 के फैक्टर मालूम करे। इसके बाद अगली स्टेप में हम जो दूसरा नंबर हमको दिया हुआ है 68, इस 68 के फैक्टर्स मालूम करेंगे, और 68 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम फिर से 2 से जो है डिवाइड करेंगे 68 को, और देखिए 2 से जब 68 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 34 बचेगा। 34 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 17 बचेगा, और 17 बचने के बाद हमारे पास फिर से वही कंडीशन आएगी कि 17 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, इसलिए हम 17 को जो है वो 17 से ही डिवाइड करेंगे और नतीजे में हमको 1 मिलेगा। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने 38 के फैक्टर्स मालूम किए, और अब 68 के फैक्टर्स जो हमको मिले हैं वो मिले हैं 2 into 2 into 17। इस तरह से दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हमारे पास मौजूद है। अब देखिए अगली स्टेप में लास्ट स्टेप जो होती है HCF मालूम करने की, जिसके अंदर हम दोनों फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स को निकालते हैं। जैसे पहला 2 38 के फैक्टर्स में मौजूद है और पहला 2 68 के फैक्टर्स में मौजूद है, तो हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि 19 दोनों के अंदर मौजूद है या नहीं, लेकिन 19 सिर्फ 38 के फैक्टर्स में मौजूद है, 68 में नहीं है, तो हम 19 को नहीं लेंगे।
दूसरे नंबर का जो 2 है वो 68 के फैक्टर्स में मौजूद है लेकिन 38 के फैक्टर्स में मौजूद नहीं है, हम दूसरे नंबर का जो 2 है उसको भी नहीं लेंगे, और 17 जो है ये 68 के फैक्टर्स में तो मौजूद है लेकिन 38 के फैक्टर्स में वो मौजूद नहीं है, हम इसको भी नहीं लेंगे। एचसीएल मालूम करने के लिए हम दोनों नंबरों के फैक्टर्स में से सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को ही लेते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करके जो है हम एचसीएल मालूम करते हैं। इन दोनों फैक्टर्स के अंदर कॉमन सिर्फ 2 है इसलिए 38 और 68 का जो एचसीएल आएगा वो एचसीएल सिर्फ 2 ही रहेगा, सिर्फ 2 जो है यही दोनों का एचसीएफ रहेगा। इस तरीके से हमने दो नंबर्स का एचसीएफ मालूम किया। अब देखिए इसके बाद हमें बड़ी एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि किस तरह से एचसीएफ जो है मालूम करता है। देखिए फर्स्ट कीजिए हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 60 और 80 और हमको जो है ये मालूम करना है कि 60 और 80 ये दोनों नंबरों का एचसीएफ क्या होता है। जिस तरह से हमारे पास तरीका मौजूद है हम 60 के भी फैक्टर्स मालूम करेंगे उसके बाद 80 के भी फैक्टर्स मालूम करेंगे और दोनों के जो फैक्टर्स आएंगे जो अजसाए जरिए आएंगे उन फैक्टर्स के बीच में से कॉमन निकालकर हम उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए किस तरह से, सबसे पहले हम 60 के फैक्टर्स मालूम करेंगे जिसके लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे 60 को हमको 30 मिल जाएगा, 2 से जब हम 30 को डिवाइड करेंगे हमको 15 मिल जाएगा, 15 आने के बाद हम जब चेक करेंगे कि 15 2 से डिवाइड होता है या नहीं तो हमको पता चलेगा कि 15 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम फिर अगला नंबर लेंगे 3 और 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 15 को तो हमारे पास 5 मिल जाएगा, 3 5 15। इस तरीके से हमने जब 3 से डिवाइड किए 15 को हमको 5 मिला, 5 आने के बाद हम जो है वो 5 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा क्योंकि 5 जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं और 4 से डिवाइड नहीं होता बल्कि 5 जो है ये 1 से होता है, अपने आप से होता है, तो सीधी सी बात है हम 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे और नतीजे में हमको 1 मिलेगा, जहां पर जाकर हमारा जो फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है जो फैक्टर्स निकालने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा और हमारे पास जो 60 के फैक्टर्स मिले हैं वो मिले हैं ये यानी 2 × 2 × 3 × 5 2 × 2 × 3 × 5 ये हमको फैक्टर्स मिल चुके हैं 60 के यानी 60 के बराबर है। तो अब देखिए हम किस तरह से नेक्स्ट नंबर के यानी 80 के जो है वो फैक्टर्स मालूम करते हैं। देखिए 80 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 80 को, हमको नतीजे में 40 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 40 को तो 20, 2 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 10। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम नीचे आते हुए जो है हम फैक्टर्स मालूम करते जाएंगे। 10 आने के बाद फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे हमको 5 मिल जाएगा और लास्ट में फिर जब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे हमारे पास लास्ट में 1 बचेगा। जिस जगह पर 1 आ गया वहां पर हमारा फैक्टर्स बनाने का फैक्टर्स निकालने का काम पूरा हो चुका है। देखिए 80 के फैक्टर्स हमको मिले हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5, इस तरीके से हमको 80 के यानी 80 के फैक्टर्स मिल चुके हैं। हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप 80 के फैक्टर्स भी मालूम कर लिए और पहले जो है 60 के फैक्टर्स भी मालूम कर लिए। अब देखिए एचसीएफ का तरीका क्या है, एचसीएफ मालूम करने के लिए हम दोनों के कॉमन फैक्टर्स को निकालते हैं, पहला दो यहां भी है पहला दो यहां भी है हम उसको ले लेंगे, दूसरे नंबर का 2 ये 60 के फैक्टर्स में भी है और दूसरे नंबर का 2 ये 80 के फैक्टर्स में भी है तो हम दूसरे नंबर का 2 ले लेंगे। देखिए उसके बाद 3 जो है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये कि 3 ये 60 के फैक्टर्स में तो मौजूद है लेकिन 3 जो है ये 80 के फैक्टर्स में मौजूद नहीं है इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उन फैक्टर्स को नहीं लेते तो हम 3 को नहीं लेंगे। फिर हम 5 के बारे में चेक करेंगे तो 5 जो है ये 60 के फैक्टर्स में भी मौजूद है और पहला 5 जो है ये
80 के फैक्टर्स में ही मौजूद है तो 5 को हम ले लेंगे। उसके बाद यहां पर जो तीसरे नंबर पर 2 है 80 के फैक्टर्स में है लेकिन 60 के फैक्टर्स में नहीं है तो हम इसको भी नहीं ले सकते। चौथे नंबर पर 2 ये 80 के फैक्टर्स में तो मौजूद है लेकिन 60 के फैक्टर्स में नहीं है, हम इसको भी नहीं ले सकते। बल्कि जो कॉमन फैक्टर्स है उन फैक्टर्स को हम लेंगे और वो सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 × 10 और 10 × 20 हमारे पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 20। यानी हमारे पास जो HCF मिला है वो 20 मिला है और 20 जो है ये 60 और 80 का HCF है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जिस फैक्टर से 60 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और इस HCF से 80 भी जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो होता है, देखिए HCF का मतलब ही ये होता है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिस नंबर से पहला नंबर भी दिया हुआ नंबर डिवाइड हो जाए और दूसरा दिया हुआ नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसे ही नंबर को हम HCF बोलते हैं। क्योंकि फैक्टर का मतलब हमने देखे हैं कि फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवाइजर, ऐसा डिवाइजर जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, दैट नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर। एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हमने जो है दो नंबरों के कॉमन फैक्टर निकाले और उन कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके जो है वो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो मालूम कर लिए। अब देखिए हम इसके बाद हमारा अगला जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं, दैट इज LCM। LCM देखिए LCM का मतलब हम पहले देख चुके हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब हमको मालूम है कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो नया नंबर हासिल होता है वो कहलाता है मल्टीपल। जैसे 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा, 2 का मल्टीपल 8 कहलाता है। 2 को हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलता है, तो 2 का मल्टीपल जो है वो 12 कहलाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, तो 2 का मल्टीपल जो है वो 12 कहलाएगा। मल्टीपल करने पर, मल्टीप्लाई करने पर जो मिलता है दैट इज द मल्टीपल। अब हमको LCM मालूम करना है दो नंबर्स का, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक नंबर के बेशुमार मल्टीपल होते हैं, दो नंबर अगर आपको दिए गए हैं तो पहले नंबर के भी बेशुमार मल्टीपल्स मौजूद है और दूसरा नंबर जो दिया हुआ है उसके भी बेशुमार मल्टीपल्स है, लेकिन दोनों के अंदर जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है दोनों का वो लोवेस्ट यानी सबसे पहली स्टेज पर, लोवेस्ट लेवल पर, लोवेस्ट स्टेज पर कौन सा मल्टीपल आ रहा है जो दोनों के लिए है, तो ऐसे ही नंबर को, ऐसे ही मल्टीपल को हम LCM कहते हैं। और वो किस तरह मालूम करते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। फर्ज कीजिए हमको दो नंबरों को यानी 20 का और 30 का जो है ये LCM मालूम करना है। देखिए आसान तरीका है, जिस स्टूडेंट को, जिस बच्चे को HCF निकाल कर आ गया उस बच्चे के लिए जो है वो LCM निकालना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि HCF और LCM के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन होती है जो दोनों के अंदर करना पड़ती है। जैसे फैक्टर्स, फैक्टर्स हमको इस प्रोसेस के अंदर LCM के अंदर भी फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 20, देखिए अगर हम 20 फैक्टर निकालना चाहते हैं हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 20 को। 2 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे हमको 10 मिलेगा, फिर 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे हमको 5 मिलेगा, जिस तरह से हम पहले देख चुके हैं। फिर 5 जो है ये सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से 5 को डिवाइड करने पर हमको 1 मिलेगा और यहां पर हमारे फैक्टर्स करने का जो है काम पूरा हो जाएगा। यानी हमको 20 के जो फैक्टर्स मिले हैं 2 × 2 × 5 इस तरह से 20 के फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं। 20 के जो अजाइजर भी है, जो 20 के फैक्टर्स है वो निकाल चुके हैं। जिस तरह से 20 के निकाले हमने उसी तरह से हम 30 के निकाल सकते हैं 30 के। देखिए 2 से
30 को डिवाइड करने पर आपको 15 मिलेगा, 3 से 15 को डिवाइड करने पर 5, और 5 से 5 को डिवाइड करने पर 1। इस तरह से हम स्पीडली कर सकते हैं। जिस बच्चे को डिवाइड करना आता है, जिस स्टूडेंट का डिवाइड का काम जो है वो क्लियर है, अगर वो तेजी से डिवाइड कर सकता है, अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकता है, तो उसके लिए फैक्टर्स निकालना कुछ मुश्किल नहीं है। आप रफ पेज पर भी निकाल सकते हैं, या ओरली जो है अगर आप कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 30 के फैक्टर्स निकाले। देखिए 30 फैक्टर्स हमारे पास मिले हैं, 2 × 3 × 5। इस तरह हमको जो है वो दोनों नंबर्स के, मतलब 20 के और 30 के जो है वो फैक्टर्स मिल चुके हैं। 20 के फैक्टर मिले हैं 2 × 2 × 5, और 30 के मिले हैं 2 × 3 × 5। अब देखिए इन फैक्टर्स को इस्तेमाल करके हम किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम दोनों फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर्स है वो निकालते हैं। देखिए पहला 2 20 के फैक्टर्स में भी है, और पहला 2 30 के फैक्टर्स में भी है, तो हम 2 को ले लेंगे। दूसरा 2 जो है वो 20 के फैक्टर्स में है लेकिन 30 के फैक्टर्स में नहीं है, तो फिलहाल हम उसको नहीं लेंगे। उसके बाद 5 जो है ये 20 के फैक्टर्स में भी मौजूद है, और 5 जो है ये 30 के फैक्टर्स में भी मौजूद है, तो इसको हम ले लेंगे। यानी 5 जो है कॉमन मौजूद है तो हमने इसको ले लिए। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद हम उन फैक्टर्स को भी ले लेते हैं जो कॉमन नहीं है, जो अनकॉमन फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है हम उन फैक्टर्स को भी ले लेते हैं। यानी दूसरे नंबर का जो 2 है उसको भी हम आखिर में ले लेंगे, और ये जो 3 जो 30 के फैक्टर्स में मौजूद है, 3 ये भी कॉमन नहीं है लेकिन हम 3 को भी ले लेंगे। इस तरीके से पहले जो है कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके बाद में जो है वो अनकॉमन फैक्टर्स जो होते हैं, जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उनको भी ले लिया जाता है, और सबकी जो है वो मल्टीप्लाई कर ली जाती है। देखिए किस तरह से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 10, 10 × 20, और 23 × 60। इस तरह से हमारा जो एलसीएम हमको मिला है वो मिला है 60, यानी कि 60, और 20 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 है। जो कॉमन मल्टीपल हमको मिला है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल मिला है हमको 60। इस तरीके से हम जो है फैक्टर्स के जरिए एचसीएम भी मालूम कर सकते हैं, और फैक्टर्स के जरिए एलसीएम भी मालूम कर सकते हैं। एचसीएम मालूम करने के लिए जो है हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए हमको सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करना पड़ती है, लेकिन एलसीएम मालूम करने के लिए हमको कॉमन फैक्टर्स के साथ साथ जो अनकॉमन फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स कॉमन नहीं है उनकी भी और कॉमन फैक्टर्स की भी मल्टीप्लाई करना पड़ती है। ये बेसिक डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम के अंदर, ये बेसिक डिफरेंस है। चलिए हम एक और एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। फर्ज कीजिए हमको 2 नंबर्स का जो है वो एलसीएम मालूम करना है। सपोज 10 और 20, 10 का और 20 का, 10 और 20 का जो है हमको एलसीएम मालूम करना है, तो हम जो है साधे तौर पर 10 की जो है वो फैक्टर्स करेंगे। 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, हमको 5 मिलेगा, और जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। इस तरह से फैक्टर्स जो हमको मिलेंगे 10 के वो मिलेंगे 2 × 5, जो बिल्कुल साधे तौर पर हमने लिख लिए। उसी तरीके से 20 के फैक्टर्स हम इजीली मालूम कर सकते हैं, 2 से जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 10 मिलेगा, फिर उसके बाद हम 2 से जो है वो डिवाइड करेंगे 10 को तो हमको 5 मिलेगा, और 5 को 5 से डिवाइड करने पर 1। इस तरीके से जो है वो 20 के भी हमने जो है वो फैक्टर्स कर लिए और 10 के भी फैक्टर्स कर लिए। देखिए किस तरीके से हम आगे का प्रोसेस करते हैं, यानी 2 × 2 × 5। दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने के बाद
हम जो है इनका एलसीएम निकालते हैं, जिसका तरीका हमको मालूम है कि पहले जो है हम कॉमन फैक्टर लेंगे, पहला टू इन फैक्टर्स में मौजूद है, पहला टू दूसरे फैक्टर्स में मौजूद है, तो हम पहला टू ले लेंगे। फिर फाइव जो है, पहला फाइव जो है वो टेन के फैक्टर्स में भी है और पहला फाइव ट्वेंटी के फैक्टर्स में भी है, हम फाइव को ले लेंगे। और उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर्स है, अनकॉमन फैक्टर्स में सिर्फ टू एक मौजूद है, उस टू को भी हम ले लेंगे, यानी फाइव टू सा टेन और टेन टू सा ट्वेंटी। हमारे पास जो एलसीएम मिला है दस का और बीस का, मतलब टेन और ट्वेंटी का जो एलसीएम मिला है वो एलसीएम मिला है ट्वेंटी। इस तरीके से जो है हम एचसीएफ और एलसीएम मालूम कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ये खास तौर पर एचसीएफ और एलसीएम के लिए ही बनाया गया है। अगर आपको ये पसंद आता है आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।